ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री चर्चिल की तरह भारत में भी आज लोग सोशल मीडिया पर लिखते हैं कि गांधी अभी तक मरा नहीं। वास्तव में चर्चिल भी यह मानता था कि गांधी विचार बहुत प्रभावशाली है और उसकी सत्ता को, ब्रिटिश सत्ता को हिला कर रख दिया है। इसलिए वह चाहता था कि गांधी दर्शन खत्म हो जाए, मर जाए। भारत में भी, आजाद भारत में भी आज बहुत सारे लोग वे चाहते हैं कि गांधी दर्शन खत्म हो जाए, मर जाए। लेकिन गांधी दर्शन कोई ऐसी कमजोर चीज नहीं है, कमजोर विचार नहीं है कि इस तरह से खत्म हो जाए। सत्य, अहिंसा, स्वदेशी, स्वावलंबन कभी भी खत्म नहीं हो सकता। तो गांधी दर्शन भी कभी खत्म नहीं हो सकते। हुआ यह था कि गांधी जी बार बार अनशन करते थे, जिससे ब्रिटिश सरकार परेशान होती थी, क्योंकि लोग जागृत हो गए थे, आजादी की मांग करने लगे थे। एक बार चर्चिल ने इसी बात पर लेकर के अपने लिदगो से कहा कि वे इस बात की जांच करें कि गांधी जब अनशन करते हैं तब ग्लूकोज का पानी पीते हैं। वायसराय ने इसकी जांच करी और पाया कि नहीं, वे इस तरह का कोई पानी नहीं पीते हैं। इससे चिढ़ करके प्रधानमंत्री चर्चिल ने लिखा था, मैं नहीं समझता कि गांधी के मरने की कोई इच्छा है। मेरा मानना है कि वे मुझसे बेहतर खाना खा रहे हैं। जबकि हम जानते हैं कि गांधी जी ने 21 21 दिन के भी कहीं उपवास किए और कुछ भी नहीं खाया, कुछ नहीं खाते थे। अपने जीवन में करीब 16 बार उन्होंने उपवास किए और करीब 144 दिन तक उपवास किए। एक बार चर्चिल ने अफ्रीकी तानाशाह स्मेटस को जो लिखा था वह यहाँ मैं पढ़ता हूँ। इस दुनिया को बता सकते कि हम राज कर रहे हैं। अगर गांधी वास्तव में मर जाते हैं तो हम एक बुरे आदमी और साम्राज्य के दुश्मन से छुटकारा मिल जाएगा। ऐसे समय जब सारी दुनिया में हमारी तूती बोलती है, एक छोटे बूढ़े आदमी के सामने जो हमेशा हमारा दुश्मन रहा, झुकना बुद्धिमानी नहीं है। लेकिन सच यह है कि इस छोटे से बूढ़े आदमी के सामने, जिस साम्राज्य का सूरज कभी अस्त नहीं होता था, उससे भी झुकना पड़ा और देश को आजाद करना पड़ा।